बच्चों, तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में आज जो टॉपिक है दैट इज मेटाबॉलिज्म, है ना। विटामिंस हमने कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है और मेटाबॉलिज्म आज से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसलिए नंबर ऑफ वीडियोस बहुत रहेंगे, बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगा, तो दो दो तीन तीन टॉपिक कवर करते हुए एज पर PCI इसमें 20 लेक्चर दिए हैं, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि ये हम 15 लेक्चर में ख़त्म कर दें, करेक्ट। तो देखो, इसीलिए मैं चालू नहीं कर रहा था इस वीडियो, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, हैं। तो चलो भाई चालू करते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ेंगे हम, स्टडी ऑफ साइकिल पाथवे विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर। देखो सिंपल सी बात है, पहले दे दिया गया है कि जितने भी हमको, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया, साफ साफ दिया हुआ है विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर, बिना केमिकल स्ट्रक्चर के हमको इसको पढ़ना है, पहली चीज। फिर शुरुआत कहां से करेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, फिर TCA साइकिल, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, फिर एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, राइट। तो इतनी चीजें पढ़नी हमको विद डिटेल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि भाई मेटाबॉलिज्म आफ्टर ऑल होता क्या है। तो देखो, हम लोग खाने को खाते हैं, फूड खाते हैं, राइट। फूड जाके हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा। याद हो फार्माकोलॉजी में हमने बताया था फार्माकोकाइनेटिक्स, ADME, राइट। ए मतलब एब्जॉर्प्शन, ठीक, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम मतलब मेटाबॉलिज्म, ई मतलब एक्सक्रीशन, ठीक। ADME मीन्स फार्माकोकाइनेटिक्स, राइट। एब्जॉर्प्शन का मतलब देखो, जैसे हमने फूड को खाया, फूड जाके पेट में डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद जो भी उसका जो भी निकला वो क्या हुआ, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद ब्लड स्ट्रीम में क्या हो गया, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड क्या करेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कहां डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सारी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। जो भी खाना हमने खाया उनसे जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले, जो एक्सट्रैक्ट निकले हैं, उन सबको वो कहां पहुंचा देगा, हमारी सेल्स तक पहुंचा देगा। तो ये प्रोसेस हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। अब सेल्स क्या करेंगी, सेल्स उनके साथ मेटाबॉलिज्म करेंगी। मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रोडक्ट बनाएंगी, कुछ प्रोडक्ट तोड़ेंगी, अल्टीमेटली कहीं पे एनर्जी का, भाई हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, ATP के फॉर्म में मिलेगी। कहां से मिलेगी, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, राइट। अल्टीमेटली ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा या ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा, तो उससे हमको मिलेगी ATP। ये जो ATP है, इसी ATP की वजह से मैं बोल पा रहा हूं, मैं हाथों को हिला पा रहा हूं, आप पढ़ाई कर पा रहे हो, किसकी वजह से, इसी ATP की वजह से हम एनर्जी को इसी फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। ये कहां से मिली है, जो हमने खाना खाया उससे जो ग्लूकोज निकला, ठीक। तो कहने का मतलब देखो, पहले हुआ एब्जॉर्प्शन, खाना खाके डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होकर ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, राइट। ये हो गया एब्जॉर्प्शन, फिर ब्लड ने क्या किया, इसको सभी सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सभी सेल तक अपने अपने हिस्से का न्यूट्रिशन पहुंच गया। अब वो सेल्स क्या करेंगी, उनका मेटाबॉलिज्म करेंगी। मेटाबॉलिज्म दो पार्ट में होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज को बनाना, समथिंग वी आर गोइंग टू मेक, मीन्स एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन करना, है ना, किसी बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देना, इसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो ये हो गया भाई, मेटाबॉलिज्म करेगा कौन, सेल्स करेंगी, राइट। उसके बाद इन मेटाबॉलिज्म का जो भी बाई प्रोडक्ट होगा, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, जो भी अनयूज्ड अनडिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, वो वापिस से ब्लड में आ जाएगा और यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस ADME का प्रोसेस। तो यहां पे हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म, सिर्फ एक स्टेप को। मेटाबॉलिज्म टर्म दैट यूज डिस्क्राइब द ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट। मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा तो ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म वो स्टेप है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए,
एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, मींस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो हमारी बॉडी को जो भी कुछ, जो कुछ भी, चाहे शरीर के इंटरनल पार्ट्स में हो चाहे एक्सटर्नल पार्ट में हो, जो भी काम करते हैं, जो कुछ भी, इन सब चीजों को करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मिलती है, रिजल्ट किसका होता है, मेटाबॉलिज्म से, राइट। तो सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म कैन कन्वीनियंटली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में मेटाबॉलिज्म को डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी, मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे जिसकी वजह से, कौन सा मॉलिक्यूल? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अल्टीमेटली वन ऑफ द सिंपलेस्ट यूनिट कौन सी है? ग्लूकोज, मोनोमर होता है। तो ग्लूकोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उस ब्रेक डाउन क्यों करते हैं? ताकि हमको एनर्जी मिल सके। एनर्जी रहेगी तो हम सांस लेंगे, एनर्जी रहेगा तो हार्ट पंप करेगा, एनर्जी रहेगी तो हम चल सकेंगे, एनर्जी रहेगी तो हम सोच सकते हैं, एनर्जी रहेगी तो हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। नहीं एनर्जी रहेगी तो कुछ नहीं, राइट। फिर बात करते हैं एनाबोलिज्म की। एनाबोलिज्म का मतलब एना मींस कुछ बनाना, समथिंग वी आर गोइंग टू मेक, मींस सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड नीड बाय द सेल्स, बायो एनर्जेटिक इन द टर्म डिस्क्राइब बायोकेमिकल मेटाबॉलिक पाथवे बाय विच द सेल अल्टीमेटली ऑब्टेन्ड एनर्जी। एनर्जी फॉर्मेशन इज वन ऑफ द वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ द मेटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म क्या था? कंपाउंड नीडेड बाई सेल्स, सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड, मीन्स किसी चीज की हम सिंथेसिस कर रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से हम बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ग्लूकोज को हम क्या करते हैं? ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन को, ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के हम ग्लाइकोजन बना रहे हैं स्टोरेज के लिए, जब जरूरत पड़ेगी तो वापस उसका हम कैटाबॉलिज्म करेंगे और फिर हम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना लेंगे। तो ये बात रही का है कि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की, ठीक। फिर और डिटेल में अगर देखें तो मेटाबॉलिज्म डिफाइन द एंटायर केमिकल नेटवर्क ऑफ द बॉडी, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो कैटलाइज किसके थ्रू हो रही हैं? एंजाइम के थ्रू हो रही हैं। बहुत सारे इंटरमीडिएट सब्सट्रेट्स होते हैं, प्रोडक्ट दीज एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। मींस किसी भी रिएक्शन से, मींस ए से लेके हमें डी बनाना है तो बीच में सी बन गया, है ना, फिर सी से डी बन गया, तो ये जो सी बना ये बीच का है भाई। ए हमारा हो गया सब्सट्रेट और डी हमारा हो गया प्रोडक्ट, बीच में बना सी, तो सी क्या हो जाएगा? हमारा इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट हो जाएगा, या इस डी के साथ कुछ और बना तो वो उसका बाई प्रोडक्ट का मेटाबोलाइट हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोडक्ट कॉल मेटाबोलिक पाथवे। इन एंजाइमेटिक रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे मींस ये जो स्टेप्स ए बी सी डी, जो नंबर ऑफ रिएक्शंस का सीक्वेंस परफॉर्म किया जा रहा है, इसी सीक्वेंस को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मींस नंबर ऑफ कितने स्टेप्स, नंबर ऑफ कितने स्टेप्स परफॉर्म किए गए उन्हीं को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक। इट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट प्रोसेस, टू अपोजिट, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में कुछ बन रहा है, कैटाबोलिज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है। एनाबोलिज्म प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, जो हमने फूड को खाया, एब्जॉर्ब फूड मटेरियल आर सिंथेसाइज्ड ऑफ टिश्यू कंपोनेंट, सेल्स के अंदर जाके कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं। एनाबोलिज्म बायोमोलिक्यूल्स लाइक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज्ड विच रिक्वायर्ड एनर्जी एंड सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज ए प्रिकर्सर। हम प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, है ना, किसके फॉर्म में, जैसे रोटी वगैरह खाए तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होने से पहले अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होगी, फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस होगी, मींस हम कुछ बना रहे हैं। तो ये क्या है? एनाबोलिक प्रोसेस है, राइट, कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं। कैटाबॉलिज्म में डिग्रेडेटिव फेज होता है जिसमें मेटाबॉलिक विच प्रोवाइड द मेटाबॉलिक फ्यूल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द सेल ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी। मींस अब यहां पे क्या कर रहे हैं कि ये समझो कैटाबॉलिज्म को जैसे हमारे पास कुछ इमरजेंसी में रखा हुआ है घर में, हमको पैसे की जरूरत, हम उसको बेच आए और बेच के हमने पैसे कमाए, उन पैसे को हमने यूटिलाइज किया। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनी हुई है इन टर्म्स ऑफ ग्लाइकोजन, इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज, उसको हमने ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करके हमको क्या मिला? ब्रेक डाउन मतलब हमने कुछ बना हुआ है उसको हमने तोड़ दिया, बिगाड़ दिया, और बिगाड़ के हमको मिल गई एनर्जी।
भाई पैसे हम क्या किए, मार्केट में जाके बेच के, भाई ग्लूकोज हमारे पास पड़ा, हमको एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी ग्लूकोज को हम बेच के आए तब जाके हमको एनर्जी मिली। इसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में क्या हुआ, आपने कुछ बनाया, भाई माँ बाप ने आपको 2 बीघे जमीन दी, आपने उसको 4 बीघे बना दिया, 5 बीघे बना दिया, कुछ बना लिया है ना। फिर कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। आपने कुछ बनाया नहीं, जो कुछ बचा खुचा था वो भी आप बेच के चले आए। क्यों, क्योंकि आपको घर के खर्चे चलाने हैं। हाँ, कई बार चीजें एक्सेस में है, जैसे हमारे पास कैटाबॉलिज्म का डिग्रेडेटिव, हम खाना खाते ही इसीलिए है ताकि हमको ग्लूकोज मिले, और ग्लूकोज मिलेगा तो हम उसका डिग्रेडेशन करके हमको एटीपी का प्रोडक्शन होगा। कैसे कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे कि किन किन रिएक्शन से ये सब प्रोसेस होते हैं, राइट। तो कैटाबॉलिज्म हो गया, एनाबॉलिज्म। नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं फाइनली रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल कंट्रोल। जो भी हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होती हैं, ये नर्वस सिस्टम और हार्मोनल कंट्रोल में होती हैं। मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। इनमें से बहुत सारी ऐसे रिएक्शंस हैं जो एंजाइम के थ्रू कैटलाइज होती हैं, लेकिन अगर किसी भी रीजन से अगर एंजाइम्स की डिफिशियंसी हो जाए, इनकी कमी हो जाए हमारे शरीर के अंदर, तो बहुत सारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। खाते तो ठूस के हो, ठीक, लेकिन अब देखो अगर कहीं टेंशन में आ गए, टेंशन में आ गया, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, देखो डाइजेशन खराब हो जाता है। वही खुश रहो, सब कुछ ठीक रहे, रेगुलर रहते हो तो डाइजेशन भी ठीक रहता है ना। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म आपका बिगड़ रहा है। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म मे बी ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्यों हुआ, जेनेटिक डिफेक्ट। कई बार जेनेटिक डिफेक्ट होता है, कई बार हमने जो खाना खाया उनमें सम बैलेंस डाइट नहीं, कुछ डिफिशियंसी हो गई, कई बार है ना जो बैलेंस डाइट है इनमें क्या है, डिफिशियंसी हो गई, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहला मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कहे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। भाई मैक्रोमोलिक्यूल है ना, मैक्रोमोलिक्यूल है, हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो जब कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जब चावल खाते हो है ना, या रोटी खाते हो, गुड़ खाते हो, जिनसे भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होके क्या भाई, जब से ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन उसको क्या करेगा, घूम घुमा के पहुंचा देगा कहां पे, हमारी सेल्स के पास। जितना सेल्स सेल्स क्या करेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म करेंगी। मेटाबॉलिज्म में क्या करेंगे, ग्लाइकोलिसिस करेंगी है ना, क्रेब्स टीसीए साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा, बहुत सारे साइकिल्स हैं, वो हम धीरे धीरे करके स्टेप में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फंडामेंटल बायोकेमिकल प्रोसेस इंश्योर द कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ द एनर्जी टू लिविंग सेल। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ये इंश्योर करता है कि हमको जीने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी संपूर्ण मात्रा में हमको लगातार मिलती रहे। मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। मोस्ट कॉमन इन द सेंस मोस्ट सिंपलर क्या है, ग्लूकोज है, विच कैन बी ब्रोकन डाउन वाया ग्लाइकोलिसिस। जब हम ग्लाइकोलिसिस करेंगे भाई, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको दो चीजों से मिलकर बना है, एक ग्लाइको और एक लिसिस। तो ग्लाइको का मतलब ही है ग्लूकोज, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। और इसके ब्रेकडाउन से हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में मिलेगी है ना। तो किसके भाई, हमको मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन करते हैं कैसे करते हैं, ग्लाइकोलिसिस से करते हैं, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, और उसके बाद इंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। किस लिए, ताकि जनरेशन हो पाए एटीपी का। जब हम ग्लाइकोलिसिस देखेंगे तो एटीपी कैसे निकलते हैं। फर्दर इंपॉर्टेंट पाथवे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंक्लूड पेंटोज फास्फेट पाथवे, पीपीपी, ट्रिपल पी, राइट। कन्वर्जन ऑफ, इसमें क्या होता है, हेक्सोज सुगर इंटू पेंटोज सुगर, पीपीपी, पेंटोज फास्फेट पाथवे में क्या होता है, हेक्सोज सुगर। भाई ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन, हेक्सोज सुगर है, वो पेंटोज सुगर में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या, कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। हमने जो फूड खाया तो क्या होता है, भाई जैसे इंसुलिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है पैंक्रियास के, पैंक्रियास की बीटा सेल्स से, राइट। बीटा सेल्स क्या करती है, इंसुलिन सिक्रीट करती है, तो जो एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में है वो इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, राइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस।
क्या? ग्लाइको मींस ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस मींस ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होना, यहां पे कौन सा एनाबोलिज्म हो रहा है, राइट, स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन। फिर ग्लाइकोजिनोलिसिस, अब ग्लाइकोजिनोलिसिस में क्या होगा, जब जरूरत एनर्जी को पड़ती है तो जो ग्लाइकोजन पॉलीमर है तो ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक। ये हो गया कैटाबोलिज्म, भाई ग्लाइकोजन पॉलीमर है, बड़ा है, वो ब्रेक होके बना रहा है ग्लूकोज, तो ये क्या कैटाबोलिज्म, कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, स्टिमुलेटेड बाय ग्लूकागन। तो सिंपल समझो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन, है ना, तो ग्लाइकोजेनेसिस ये कौन करेगा, इंसुलिन करेगा, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने को क्या बोलोगे, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस ये किससे स्टिमुलेटेड होता है, ये होता है ग्लूकागन से, राइट, ये बात हो गई। फिर क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कुछ नए मॉलिक्यूल, ग्लूकोज किससे बन रहा है, नए मॉलिक्यूल से, एमिनो एसिड से बना लो, प्रोटीन से बना लो, फैट से बना लो, है ना, मींस इसको बोलते हैं डी नोवो ग्लूकोज सिंथेसिस, मींस जिससे नॉर्मली नहीं बनता, कार्बोहाइड्रेट से भाई ग्लूकोज बनता है, है ना, अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन कितना भी कर लो ग्लूकोज नहीं बन सकता, प्रोटीन का कितना भी कर लो सिंप्लीफाई कर लो ग्लूकोज नहीं बन सकता, फैट का कितना भी सिंप्लीफाई कर लो ग्लूकोज नहीं बन सकता, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन से इनसे भी बॉडी हमारी ग्लूकोज बना लेती है, तो इसी को बोलते हैं डी नोवो ग्लूकोज सिंथेसिस, राइट। तो ये बात हुई भाई। फिर अब बात करते हैं सबसे पहला जो पाथवे है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस पाथवे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, बहुत ध्यान समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। इट इज द ओनली पाथवे दैट टेकिंग प्लेस इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी, मींस सभी सेल में, नो एक्सेप्शन, जितनी सेल्स है सब में जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिसिस इज मेटाबॉलिक पाथवे दैट फॉर्म्स द बेस फॉर बोथ एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर ऑक्सीजन सप्लाई है तब भी एनर्जी बनाएगा, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तब भी एनर्जी बनाएगा, बस स्मॉल अमाउंट में, राइट। यानी ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरीके से ये अपनी एनर्जी बनाता है, ठीक। मेथड क्या है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सिंपली पाइरुवेट में। क्या मेथड है, सिंपली ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट में, पाइरुवेट में, ठीक। दो स्टेप, वैसे तो टोटल 10 स्टेप हैं, लेकिन दो फेज में होता है ना, तभी ग्लाइकोलिसिस समझते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस होती कहां, सबसे पहले सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहां पे परफॉर्म होती है। इट प्रोड्यूस एटीपी विदाउट यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन बट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये एरोबिक और एनरोबिक दोनों कंडीशन में एटीपी का प्रोडक्शन करेगी, लेकिन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो एटीपी ज्यादा बनती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो एटीपी का प्रोडक्शन कम होता है। इट ब्रेक डाउन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सिक्स, क्या वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज किसका है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का, और ब्रेक किस में करता है, 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में, ठीक। मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ध्यान समझो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया, कितने कार्बन, 6 कार्बन, किस में ब्रेक होगा, 2 पाइरुवेट में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, और जो पाइरुवेट होता है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक। पाइरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। कंट्रोल्ड मैनी वेरियस टाइप ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक, ये बात हुई भाई। अब जो वर्ड ग्लाइकोलिसिस है, ये ग्रीक वर्ड ग्लाइकिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्वीट, और लिसिस का मतलब होता है डिजोल्यूशन या ब्रेकडाउन, स्वीट का डिजोल्यूशन या स्वीट का ब्रेकडाउन, स्वीट क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, राइट, ये मतलब होता है ग्लाइकोलिसिस का इन टर्म्स ऑफ ग्रीक वर्ड। कैन बी डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इन साइटोसोल ऑल्सो अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में लिखा है, लिखा क्या है, ऑल्सो इन मीन्स बिना ऑक्सीजन के भी ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होती है। द मेटाबोलिक पाथवे को डिस्कवर किया था 3 जर्मन बायोकेमिस्ट थे, 3, एक थे गुस्टाव एम्बेडन, इनसे लिया गया ई, दूसरे थे ओटो मेयरहॉफ, इससे लिया गया एम मेयरहॉफ का, तीसरे थे जैकब कैरोल और पेरेनस, इससे लिया गया पेरेनस का पी। तो पहले साइंटिस्ट का एम्बेडन, दूसरे साइंटिस्ट का मेयरहॉफ, तीसरे साइंटिस्ट का
पेरनास से, इससे मिल गया ईएमपी, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को हम बोलते हैं एम्बिडिन मेयर ऑफ पेरनास पाथवे। ठीक, क्या बोले, एम्बिडिन मेयर ऑफ पेरनास पाथवे या फिर हम बोलेंगे ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे किसका, इसी को बोलते हैं हम दूसरा, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये सेल की साइटोसोल में परफॉर्म होता है, सेल की साइटोसोल में ये परफॉर्म होता है। ठीक, टोटल 10 स्टेप की रिएक्शन है, टोटल कितने स्टेप होंगे, टोटल 10 स्टेप की रिएक्शन होगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी। ठीक, और कितने फेज में होगी, दो फेज में होती है ये रिएक्शन, कितने, दो फेज में होती है। चलो भाई, है ना, तो देख लिया जाए भाई, सबसे पहले तो भाई ग्लाइको, है ना, देखो दो टर्म है, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। ठीक, मींस ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हुआ है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कहां हो रहा है, हमारा साइटोसोल में हो रहा है। ठीक, साइटोसोल में हो रहा है। बेसिकली ध्यान से समझो, जो आपका ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है ये कितना, ये 6 कार्बन है जो बना लेता है दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, और जो पाइरुवेट है ये कितना, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कितने, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है इन टर्म्स ऑफ एटीपी और एनएडीएच, एटीपी और एनएडीएच के फॉर्म में ये रिलीज होती है। ओके, ठीक, तो वेरियस स्टेप्स हैं जहां पे एनर्जी क्या है, रिलीज की जाती है, दो फेज में होती है ग्लाइकोलिसिस, किस फेज में, दो फेज में ग्लाइकोलिसिस जो है ये दो फेज में होती है। जो पहला फेज होता है इसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, और ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है, है ना, फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में हम ग्लूकोज में इसमें क्या एनर्जी इंट्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट फेज में हमने एनर्जी इंट्रोड्यूस की, एनर्जी इंट्रोड्यूस की, और ग्लूकोज से बना दिया ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, क्या बना दिया, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक, ये पहला फेज है, फर्स्ट फेज, कौन सा, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज बनाया हमने किससे, ग्लिसरेल, फर्स्ट फेज में बना हमारा ग्लूकोज से ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। दूसरा जो है, जो सेकंड फेज है, ये क्या है, सेकंड फेज, इसमें ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से, ध्यान समझो, अभी मैं हट जाता हूं दिखेगा, 3-फॉस्फेट से बनता है दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हो रही है, मींस फर्स्ट फेज में हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, दूसरे फेज से हमको क्या है, एनर्जी मिल रही है। सेकेंड फेज में क्या होगा, हमको सेकेंड फेज में एनर्जी मिलेगी, मतलब हमको लगानी नहीं है, हमको एनर्जी सेकेंड फेज में मिल रही है, निकल रही है यहां से। ठीक, तो दो स्टेप का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में भाई सिंपल सी चीज समझो, एक स्टेप ऐसा कि हमको एनर्जी निकालनी पड़ रही, मींस लगानी, खर्चा करना पड़ रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट, मान लिया हमने एक दुकान खोली, क्या किया हमने, एक दुकान खोली, उस दुकान में हमने कुछ, हमें कुछ बेचना है उस दुकान में। अब अगर हमको कुछ बेचना है तो बेचने के लिए पहले दुकान खोलनी पड़ेगी, सबसे पहले दुकान में पैसा लगाना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर खोलना, दुकान में पैसा लगाना पड़ेगा, फिर जाके प्रॉफिट आएगा। ठीक उसी तरह से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए पहले एनर्जी उसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उसके बाद सेकेंड फेज में हमें उससे कुछ अर्निंग चालू होगी, हमें उससे एनर्जी मिलेगी। ठीक, तो अब हम देखते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले एक एक स्टेप देखो, सबसे पहले आता है भाई ग्लूकोज। ठीक, सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा
ग्लूकोज, इसमें हम क्या करेंगे, एक फॉस्फेट मींस इस स्टेप में हम देखो एक एक स्टेप समझना, ग्लूकोज का पहले स्टेप में हम कराते हैं फॉस्फोराइलेशन मींस इसमें फॉस्फेट ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। अब ये सिक्स फॉस्फेट क्यों भाई, ग्लूकोज छह कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, है ना, हेक्सोज सुगर होती है, तो छठा नंबर का जो कार्बन है, सिक्स नंबर का कार्बन, उसमें हम फॉस्फेट का इंट्रोडक्शन कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, मींस हमने इस स्टेप का फॉस्फोराइलेशन कराया, और यहां पे जो एंजाइम यूज हुआ उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। ठीक, यहां पे हमने क्या बताया, हमने फॉस्फेट इस यहां पे ऐड किया, फॉस्फेट ऐड किया, इसका मतलब हमने एटीपी इसमें खर्चा की, एटीपी ये ट्राईफॉस्फेट से हमने बना लिया एडीपी। ठीक, मतलब क्या, मतलब ये कि यहां पे एक फॉस्फेट ग्रुप हमने ऐड कर दिया, यहां पे हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में कौन सा प्रोसेस हुआ, फॉस्फोराइलेशन का, फॉस्फोराइलेशन का, है ना, मींस फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। ठीक, ये पहल, ये भाई ये स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप बोले तो, नेक्स्ट स्टेप में जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इसका आइसोमराइजेशन कर दिया, क्या किया हमने, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन, मींस कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ आइसोमराइजेशन कर दिया, तो यहां पे एंजाइम कौन सा आया, आइसोमरेज होगा, क्या ग्लूकोज का आइसोमर, फ्रक्टोज, क्या किया हमने, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट। ठीक, पहले ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन कराया हमने, और फॉस्फोराइलेशन के बाद ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बना, जिसका हमने आइसोमराइजेशन करा दिया, जिससे हो गया ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट। देखो बार बार बोलूंगा, बार बार बताऊंगा, इसलिए कि आपको चीजें रट जाए। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसमें जो किया एक फॉस्फोराइलेशन और करा दिया, इस स्टेप में फॉस्फोराइलेशन और करा दिया। ठीक, फॉस्फोराइलेशन कौन कराता है, काइनेज, जहां पे पहले स्टेप में किसने, हेक्सोकाइनेज ने कराया था, दूसरे स्टेप में भी काइनेज, तो क्या बना लेगा भाई, बना लेगा 1,6 बिस फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट। ध्यान से समझना, यहां पे हमने फिर क्या किया भाई, सिंपल सी चीज समझो, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में हमने फिर से उसका फॉस्फोराइलेशन कराया, और एक फॉस्फेट ग्रुप पहले नंबर के कार्बन पे ऐड हो गया, पहले नंबर के कार्बन पे, तो एक तो छठे नंबर के कार्बन पे था, तो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट हो गया। ठीक, दूसरे नंबर के कार्बन पे हुआ तो क्या हुआ, 1,6 बिस फॉस्फेट फ्रक्टोज, 1,6, या फिर इसको ऐसे लिख दो, एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हो, जस्ट वन सेकेंड, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कर सकते हो ना भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, हमने इसका फॉस्फोराइलेशन करा दिया, और जैसे हमने फॉस्फोराइलेशन कराया तो ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट। अब ये किसने की, ये हुआ कैसे फॉस्फोराइलेशन, फ्रक्टोकाइनेज से, किससे, फ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, याद रहे फॉस्फोराइलेशन जहां भी होगा वहां काइनेज लगेगा, जहां भी होगा काइनेज लगेगा, और जब भी फॉस्फोराइलेशन जहां भी होगा वहां पे एक एटीपी कंज्यूम होगा, यानी यहां पे भी एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनिन डाइफॉस्फेट हो गया, एडिनिन डाइफॉस्फेट हो गया, मतलब एक फॉस्फेट हमने रिएक्शन को दे दिया। ठीक, तो सिक्स फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट था, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब पहले कार्बन पे हमने एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर दिया। अब ये यहां पे क्या है, ये देखो ये रिएक्शन आपकी, पहले ये रिएक्शन क्या है, अभी तक हमने कितने, छह कार्बन थे इस, यहां तक सुगर में सिक्स कार्बन थे यहां तक, ठीक, यहां तक सुगर में सिक्स कार्बन, अब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होके दो कार्बन हो जाएगा, तो वो सॉरी तीन कार्बन का हो जाएगा कंपाउंड, तीन कंपाउंड क्या होगा, क्या बना लेगा, ये क्या क्या बना लेगा, ग्लिसरेल डिहाइड थ्री फॉस्फेट, ग्लिसरेल डिहाइड
थ्री फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट बना लिया, और दूसरी तरफ बना लिया इसने डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन फॉस्फेट। अब अगर ध्यान से समझो तो देखो, तीन कार्बन के सुगर इसमें, फ्रक्टोज 616 बिस फॉस्फेट को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। इट मींस यहां पे एंजाइम क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा, क्लीवेज कर रहा है। तो इस स्टेप में होगा क्लीवेज। देखो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया, चौथा स्टेप ये हो गया, तो पांचवा जो स्टेप है फिफ्थ स्टेप में हो रहा क्लीवेज। चार शुरुआत के जो चार स्टेप है यहां तक छह कार्बन, पांचवे स्टेप में तीन कार्बन क्लीवेज हो जाएगा, और क्लीवेज जो करेगा उस एंजाइम का नाम है एल्डोजेस। क्या है? एल्डोज एंजाइम। और क्या हो रहा है यहां पे? क्लीवेज हो रहा है। राइट, यहां तक आई होप कि क्लियर होगा। देखो सबसे पहले ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन कराया, जहां फास्फोराइलेशन कराएंगे वहां काइनेज लगेगा, हेक्सोकाइनेज, एटीपी से एडीपी, मींस एक फास्फेट चला गया ट्राई फास्फेट से डाई फास्फेट। ठीक, सिक्स फास्फेट का हमने ग्लूकोज 6 फास्फेट का आइसोमराइजेशन कराया, क्या हो गया? फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और उसके बाद फिर से हमने इसका फास्फोरिलेशन करा दिया, तो फ्रक्टोज 16 बिस फास्फेट। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका क्लीवेज होगा, क्लीवेज में ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनेगा। ठीक, अब यहां तक क्या पांच स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब जैसे पांच स्टेप कंप्लीट हो गया तो हम छठे स्टेप। अच्छा एक चीज और, ये जो पूरा स्टेप है ये पहला फेज है, ध्यान दो ये फर्स्ट फेज है, यहां से फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है। अब जो फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ, यहां पे देखो दो एटीपी कंज्यूम हो गए, एक एटीपी ये और एक एटीपी ये, निकला क्या? दो एडीपी यहां से निकले, यानी यहां पर कंजम्पशन किसका हुआ? कंजम्पशन हो गया यहां पर दो एटीपी का, राइट, दो एटीपी कंज्यूम करके ये रिएक्शंस बनी है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट शुरू करते हैं यही पांचवे स्टेप से शुरू करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे शुरू करें। क्या था? ग्लिसरेल्डिहाइड अभी सब दिखाएंगे, परेशान ना हो। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये सब तीन तीन कार्बन के हैं। ठीक, तीन तीन कार्बन के हैं, और सबसे बड़ी चीज है ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल हैं आपस में, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, मींस आपस में चेंज होते रहते हैं एक दूसरे में, ये चेंज होते रहेंगे, मींस यहां पे क्या आइसोमरेज लगेगा, ये आइसोमरेज की मदद से एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ठीक, आइसोमरेज हुआ। अब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे जाके रिएक्शन शुरू करता है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे जाके रिएक्शन शुरू करता है, और ये फिर इसमें एक क्या होगा, 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ग्लिसरेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यह बना लेगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट। ये 6 नंबर की रिएक्शन हो, 6 नंबर का स्टेप हो गया। यहां पे एक खास चीज जानने की ये है कि यहां पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यूटिलाइज हो रहा है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ साथ रिएक्शन क्या, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, क्या है? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम की मदद से यहां पे क्या, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट छठे स्टेप में कंज्यूम होता है, और यहां पे क्या होता है, NAD+ से NADH। अब एक चीज ध्यान से ये समझो कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बन गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है। क्या है? ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन NAD+ से NADH बनना हाइड्रोजन का एडिशन होना रिडक्शन है, मींस NAD+ से NADH ये रिडक्शन स्टेप हो रहा है। राइट,
अब छठे स्टेप में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना। नेक्स्ट स्टेप अगर हम लें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एक एटीपी छोड़ देते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप में 3 फॉस्फो, यहां पे भाई 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था, अब हम क्या करेंगे एक फॉस्फोरस छोड़ देंगे। एक फॉस्फोरस छोड़ने से फायदा क्या होगा, ये क्या बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये सेवेंथ नंबर का स्टेप है, सेवेंथ नंबर का पहला स्टेप है जहां पे एनर्जी रिलीज हुई, मतलब एक एडीपी से हमने क्या बना लिया एटीपी बना लिया, एडीपी से एटीपी बनाया पहले स्टेप में, और ये क्या हुआ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज मींस फॉस्फोराइलेशन में भी काइनेज लगेगा और डीफॉस्फोराइलेशन में भी काइनेज होगा। ठीक, तो किससे बना, एडीपी था एडेनिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट लूज हुआ, कहां से लूज हुआ, इस सिक्स स्टेप छठा स्टेप क्या था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यहां से एक फॉस्फेट निकला तो क्या हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बचा, तो एक एटीपी निकल गया, यानी सातवां पहला स्टेप है जहां पे एनर्जी हमको प्रोड्यूस हुई, एनर्जी हमको मिली है। नेक्स्ट सातवें से फिर हम आठवें स्टेप पे आते हैं, यहां पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट, इसका सिंपल रीअरेंजमेंट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। देखो थोड़ा सा समय लग जाए चलेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये 8 नंबर का स्टेप है। हुआ क्या, जो तीसरे नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा था वो दूसरे नंबर पे कहो गया, मींस रीअरेंजमेंट हो गया, मींस एक तरह से आइसोमराइजेशन जैसा कुछ हुआ, तो वैसा ही एक हमारे पास एक एंजाइम होता है रीअरेंजमेंट के लिए जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, कौन सा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। सिंपल सी बात है, सातवें स्टेप पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, आठवें स्टेप पे जो तीसरे नंबर का फॉस्फेट था वो जाके दूसरे नंबर पे लग गया, यानी 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। ठीक, अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट जब बना तो आठवें स्टेप से जब हम नवें स्टेप पे जाते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिया, क्या हुआ एक मॉलिक्यूल लूज करेंगे वाटर का, और इसमें यूटिलाइज हो जाएगा एक मैग्नीशियम आयन, क्या यूटिलाइज होगा मैग्नीशियम आयन, और ये बना लेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये नाइन्थ स्टेप है हमारा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, यानी जिसको क्या बोलते हैं पीईपी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। इसमें एंजाइम क्या यूटिलाइज हुआ इनोलेज, कौन सा एंजाइम यूटिलाइज हुआ इनोलेज एंजाइम यूटिलाइज हुआ, यहां पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट हुआ। अब यहां से हम फिर इसका डीफॉस्फोराइलेशन कर देंगे, किसका डीफॉस्फोराइलेशन, यहां से एक फॉस्फेट हम और निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा पाइरुवेट, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा पाइरुवेट, ध्यान रहे। अब जब एक फॉस्फेट निकला तो फिर क्या हुआ एडीपी यूटिलाइज हुआ, एडीपी और निकला क्या एटीपी। ठीक, यहां से ये कौन सा स्टेप हो गया भाई, ये दसवां स्टेप हो गया। तो इस तरह से टोटल 10 स्टेप में आपकी ग्लाइकोलिसिस की पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई, ग्लाइकोलिसिस की पूरी साइकिल 10 स्टेप में कंप्लीट हो गई। अब ध्यान से समझो, हमने फर्स्ट स्टेप में एनर्जी डाली थी, एनर्जी इन्वेस्ट की थी 2 एटीपी। अब यहां से ये जो पांचवा स्टेप है, ये फिफ्थ स्टेप है आपका, पांचवें स्टेप से जो कुछ भी हो रहा है वो दो दो हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है दो दो हो रहे हैं। क्यों भाई, चौथे स्टेप तक 6 कार्बन का सुगर था, चौथे स्टेप तक 6 कार्बन का सुगर था, उसके बाद पांचवें स्टेप से 3 कार्बन का सुगर हो गया। जब 3 कार्बन का सुगर हो गया तो हमेशा सारे 2 मॉलिक्यूल बने, मतलब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना तो 2 मॉलिक्यूल बने, अगर एनएडी से एनएडीएच बना तो कितने 2 एनएडी प्लस से 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल बने। यहां पे छठे से सातवें स्टेप के बीच में ये जो एटीपी और एडीपी है ये कितने 2 बने, 2 एटीपी बने।
यहां पे दो कितने एटीपी बने, दो एटीपी बने, कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, कितने मैग्नीशियम आयन, दो, मींस जितने भी बनेंगे वो सब डबल डबल स्टेप रिएक्शन, पांचवें स्टेप से रिएक्शन डबल चल रही है, मींस जो भी मॉलिक्यूल दो बन रहे हैं। पाइरुवेट कितने बने, दो पाइरुवेट, मींस एक ग्लूकोज हमने लिया था छह कार्बन का, पाइरुवेट बने तीन कार्बन के दो, मींस पांचवें स्टेप से सारी चीजें जितनी भी बनी वो दो दो बनी। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें, अगर ओवरऑल रिएक्शन समझाने की बात करें तो यहीं पे समझो, समझाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या भाई हमने क्या लिया, ध्यान से समझो, हमने ले लिया ग्लूकोज और क्या लिया, क्या क्या यूटिलाइज किया, टू एडीपी, ठीक, टू एडीपी प्लस दो मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। याद करो पांचवें से छठे स्टेप में दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज हुए थे कि नहीं भाई, फास्फेट का इनऑर्गेनिक फास्फेट यूज हुआ, इनऑर्गेनिक फास्फेट एक दिखाया गया लेकिन जो भी यूज हो रहा है वो सब दो दो यूज हो रहे हैं, प्लस टू मॉलिक्यूल एनएडी प्लस का यहीं पे इस्तेमाल हुआ था, एनएडी प्लस से एनएडीएच बने थे। रिजल्ट क्या हुआ भाई, मिला क्या हमको, दो पाइरुवेट मिले, दो पाइरुवेट मिले, ठीक, टू एटीपी मिला, कायदे से प्रोडक्शन हुआ चार एटीपी का, प्रोडक्शन हुआ चार एटीपी का, लेकिन दो एटीपी कंज्यूम हो गए, इन्वेस्ट हो गए, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितने का, नेट प्रॉफिट हुआ दो एटीपी का, ठीक। और क्या मिला, दो एनएडीएच, भाई एनएडीएच गया था, ध्यान समझो, दो एनएडीएच गया था पांचवें से छठे स्टेप में, मिला कितना हमको बाद में, दो ही एनएडीएच तो मिला भाई, ध्यान से देखो ये रिएक्शन देखो, दो ये दो एनएडी दिया, दो एनएडी प्लस दिया तो दो एनएडीएच हमको मिला कि नहीं मिला, तो दो एनएडीएच हो गया। तो ये ओवरऑल रिएक्शन थी हमारी, कहे कि ये ओवरऑल रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस की, कि ये नेट, तो अगर पूछा जाए नेट कितना एटीपी फॉर्मेशन हुआ तो कितना एटीपी बताओगे, दो नेट हमको मिला प्रॉफिट कितने का, दो एटीपी का। यूटिलाइज टोटल कितना, दो फर्स्ट स्टेप में और चार प्रोडक्शन हुआ कितने हमारे सेकंड स्टेप में, ठीक, ओके। तो इस तरह से ये ग्लाइकोलिसिस, अब देख लेते हैं भाई ग्लाइकोलिसिस स्टैंडर्ड पाथवे। पहला स्टेप फास्फोराइलेशन हम पहले बता चुके हैं, ग्लूकोज देखो जो लिखा हुआ है वो भी समझ लो, फास्फेट ग्रुप इज एडेड टू ग्लूकोज इन सेल साइटोप्लाज्म, मींस जो फास्फेट ग्रुप है वो ग्लूकोज में एड होगा, मींस फास्फोराइलेशन होता है, तो फास्फोराइलेशन होकर क्या बना लेगा, ग्लूकोज सिक्स फास्फेट। देखो ध्यान से, ये बगल में हमने इसीलिए टेबल लगा रखी है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है ना, जो पढ़ाया वही चीज देखो, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज की मदद से, कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, यहां पे हमने फॉस्फोराइलेशन किया, मेंस एक एटीपी से क्या बना, एडीपी, ठीक। सेकंड स्टेप है आइसोमराइजेशन, क्या होगा, सिंपल ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट, सिर्फ आइसोमर और कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज या आइसोमरेज एंजाइम बोल सकते हैं, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, सिंपल फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट एंजाइम, क्या फॉस्फोग्लूको म्यूटेज या फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज बोल सकते हैं। थर्ड स्टेप फिर फॉस्फोराइलेशन, तो फॉस्फोराइलेशन होगा तो फिर फॉस्फोराइलेशन मतलब हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, मतलब एक फॉस्फेट ऐड करोगे तो एडनीन ट्राई फॉस्फेट से क्या निकलेगा, एडनीन डाई फॉस्फेट, एक फॉस्फेट कम हो गया, क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट। जब भी फॉस्फोराइलेशन होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जब भी देखो जो एंजाइम यहां बगल में लगेगा या तो सबस्ट्रेट के नाम पे या प्रोडक्ट के नाम पे होगा, या तो पहले ऊपर वाला स्टेप या नीचे वाले स्टेप के नाम से, ठीक। फिर चौथा स्टेप कौन सा होता है, चौथा स्टेप क्लीवेज का होता है, क्लीवेज होगा, एंजाइम एल्डोज कन्वर्ट होगा किस में, एंजाइम एल्डोज कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कहां गया, अब ये देखो इस स्टेप में क्या होगा, क्लीवेज होगा, चौथा स्टेप फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से एल्डोज क्या करेगा, ब्रेक करेगा, है ना, तो चौथा स्टेप पे क्या होगा, क्लीवेज होगा, बनेगा क्या, एल्डोज क्या कन्वर्ट करेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से बना लेगा हमारा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट। तो यहां पर कौन, एल्डोज की मदद से, और ये दोनों आइसोमरेज देखो यहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, किसकी मदद से, आइसोमरेज, ये जो आइसोमरेज एंजाइम है इसकी मदद से एक दूसरे में ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक। फिर छठे स्टेप पे आ जाओ, छठे स्टेप पे सिंपल इंटर कन्वर्जन होगा, कौन सा भाई, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या, डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन
फॉस्फेट ये आपस में आइसोमरेज की मदद से क्या होगा, कन्वर्ट होगा, फिर छठे स्टेप पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा भाई, ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन अंडरगोज द टू रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में दो रिएक्शन होंगी, एक होगा ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट, फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो यहां से ये देखो रिएक्शन, यहां पे ये 1,3-बिस-फॉस्फेट ग्लिसरेट, ये क्या ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है। दो स्टेप, दूसरा एनएडी से एनएडीएच बन रहा है राइट, तो वही रिएक्शन यहां पे स्टेप अंडर 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का ट्रांसफर होगा 1-हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ग्लिसरेल डिहाइड फॉस्फेट, जिससे एनएडी से बनता है एनएडीएच, एनएडी से बनेगा एनएडीएच, तो ग्लिसरेल डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरेल डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरेल डिहाइड 3-फॉस्फेट में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, क्या हो जाएगा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। सातवें स्टेप में पहला एटीपी फॉर्मेशन होगा और क्या होगा, बिस-फॉस्फेट से सिंपल 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा। ये सब डबल बन रहे हैं पांचवें स्टेप के बाद, क्या बनाएगा, फॉस्फेट ट्रांसफर होगा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट एटीपी से एडीपी, ये एटीपी से एडीपी निकला भाई, यहां 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट था, एक फॉस्फेट लूज किया, क्या हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज है ना, या फॉस्फोर डीफॉस्फोरिलेशन में काइनेज किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ फॉस्फो, ये डीफॉस्फोरिलेशन है ना, आठवें स्टेप पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना, मींस आइसोमराइजेशन हुआ और कुछ नहीं, थ्री जो फॉस्फेट तीसरी पोजीशन पे था वो दूसरी पोजीशन पे आ गया, दूसरे नंबर के कार्बन पे आ गया, क्या बन गया भाई 2-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट से बना इनोलेज, फॉस्फोइनोल पाइरवेट, यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल केवल निकल गया ठीक, फॉस्फोइनोल पाइरवेट से फिर क्या हुआ, सिंपल एक फॉस्फेट, फिर डीफॉस्फोराइलेशन कराया हमने पाइरवेट काइनेज की मदद से और बना लिया दो मॉलिक्यूल पाइरवेट और निकल गया एक एटीपी, एक एटीपी निकल गया ठीक। तो इस तरीके से ये 10 स्टेप हमारे कंप्लीटली परफॉर्म हुए ठीक। एक बार और रिवीजन कर लो, देखो ध्यान से, पहला देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज में हेक्सोकाइनेज से फॉस्फोराइलेशन कराया, बना क्या ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन केवल हो गया तो वो बन गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फिर क्या हुआ, हमने फॉस्फोराइलेशन करा दिया, फॉस्फोराइलेशन जब कराओगे तो एक एटीपी मॉलिक्यूल निकलेगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल निकला ठीक, तो क्या बन गया एडीपी बन गया, फ्रक्टोज काइनेज की मदद से बन गया फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट। ये दो में ब्रेक होगा, क्लीवेज रिएक्शन होगी किस एंजाइम की मदद से, एल्डोज की मदद से, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये तीन तीन कार्बन के ठीक, ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल होंगे किसकी मदद से, आइसोमरेज की मदद से। उसके बाद यहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज होता है और एंजाइम कौन सा, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये ऑक्सीडेशन कराएगा और बना लेगा 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट। दूसरी तरफ रिडक्शन रिएक्शन होती है, एनएडी प्लस से बनता है एनएडीएच ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप है, फिर फॉस्फोराइलेशन, फिर डीफॉस्फोराइलेशन होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेट काइनेज की मदद से, बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, एक फॉस्फेट निकाल दिया, निकाल दिया तो एक एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। फिर क्या बनाओगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब जो तीसरे नंबर पे फॉस्फेट था वो दूसरे नंबर पे पहुंच जाएगा, सिंपल आइसोमरेज, सिंपल आइसोमर हो रहा, यानी क्या हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम का यहां पे इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, बन गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और यहां पे एक मैग्नीशियम आयन हमने इस्तेमाल किया, एंजाइम लगा इनोलेज, कौन सा एंजाइम, इनोलेज एंजाइम, तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से फिर हमने एक फॉस्फेट निकाल दिया तो सिंपल बन गया पाइरुवेट। और जब भी फॉस्फेट निकालोगे तो एक एटीपी मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इन्हीं स्टेप्स को हमने यहां पे 10 स्टेप को एक्सप्लेन कर रखा है ठीक। की पॉइंट की बात की जाए ग्लाइकोलिसिस की, तो प्रोसेस विच हैव द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट, ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल में कहां होती, साइटोप्लाज्म एनिमल और प्लांट दोनों में, 6 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, काइनेज म्यूटेज डिहाइड्रोजिनेज
क्लीवेज एंजाइम जिसको हम एल्डोज बोलते हैं, आइसोमरेज या फिर इनोलेज एंजाइम, ये छह एंजाइम इसमें पूरे 10 स्टेप में यूटिलाइज होते हैं। एंड प्रोडक्ट में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के, दो मॉलिक्यूल एटीपी के और दो मॉलिक्यूल एनएडीएच के निकलेंगे। ठीक, दो पाइरुवेट निकले, दो एटीपी तो चार निकले लेकिन नेट प्रॉफिट हमारा दो एटीपी का हुआ। ठीक है, एनएडी से दो मॉलिक्यूल, एनएडीएच से पांचवें छठे स्टेप में हमको दो एनएडीएच मिले। तो इस तरह से ये ग्लाइकोलिसिस का कंप्लीट, देखो यहां पे सिंपल, फिर से देखो एक मिनट, वही स्टेप जो हमने यहां पे बताया आपको, वही सारे स्टेप यहां पे दिए भाई। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया हेक्सोकाइनेज की मदद से, यहां पे हुआ फॉस्फोराइलेशन। क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन जहां पे होगा फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हुआ, मतलब एटीपी यहां पे इन्वेस्ट हुई, एक एटीपी यहां कंज्यूम हो गई। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या होगा, यहां पे आइसोमराइजेशन होगा। तो फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से सिंपल ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा तो एटीपी मॉलिक्यूल फिर से कंज्यूम हो जाएगा, दो एटीपी कंज्यूम हो गए। ठीक, तो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, और फॉस्फोराइलेशन काइनेज से होता है तो फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज एंजाइम लग गया। अब यहां पे फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, यहां पे क्लीवेज हुआ, क्लीवेज हुआ किसका, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, और डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट का, जो आपस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल थे। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, अभी ये क्या, दो हो गए। क्यों, क्योंकि इस स्टेप तक, ध्यान से समझो, इस स्टेप तक 6 कार्बन का सुगर था फ्रक्टोज तक, अब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का सुगर रह गया। जब 3 कार्बन का रह गया तो दो मॉलिक्यूल, भाई 3 × 2 = 6 होता है ना, तो दो मॉलिक्यूल। अब यहां पे क्या होगा, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, मींस ऑक्सीडेशन होगा किसका, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, और बनेगा क्या, 1,3-bisphosphoglycerate, 1,3-bisphosphoglycerate, वही सेम रिडक्शन हो रहा है किसका, एनएडी प्लस से NADH बन रहा है, NAD प्लस से NADH, और इसी स्टेप में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक, कितने, दो मॉलिक्यूल यहां पे, जितने इधर देखो, यहां से इस स्टेप से जितने, ये सेकंड फेज है नीचे, ये सब सेकंड फेज है। ठीक, यहां पे जो कुछ भी होगा सब दो में होगा, मींस यहां पे दो NADH निकले, दो NAD प्लस यूटिलाइज हुए। ठीक, तो 1,3-bisphosphate ग्लिसरेट हो गया। अब यहां से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल हमने रिमूव कर दिया, तो एक क्या, दो निकलेंगे। जब भी हम एक की बात करेंगे सेकंड फेज में हमेशा दो, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ कार्बन आधे हो गए हैं। तो दो मॉलिक्यूल एटीपी के यहां पे निकले, भाई फास्फोराइलेशन हमने डी फास्फोराइलेशन किया, फास्फोग्लिसरेट काइनेज हमने कहा फास्फोराइलेशन और डी फास्फोराइलेशन दोनों काइनेज की मदद से होंगे। ठीक, तो बनेगा क्या, 1,3-bisphosphoglycerate से 3-phosphoglycerate बन गया। ठीक है, और 3-phosphoglycerate से फिर आइसोमराइजेशन होगा, बन जाएगा 2-phosphoglycerate, मतलब 3 नंबर वाला कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो 2 नंबर वाले पे आ गया। उसके बाद हमने यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिया, वो तो क्या बन गया, 2-phosphoenolpyruvate, phosphoenolpyruvate। ठीक, अब 2-phosphoenolpyruvate से हमने क्या किया, फिर 2 फॉस्फेट बाहर कर दिए, 2 फॉस्फेट बाहर कर दिए तो एडीपी से 2 एटीपी जनरेशन हो गया और बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, और एंजाइम कौन सा, पाइरुवेट काइनेज। ठीक है, बाद में यही एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होके यही हमारा फिर टीसीए साइकिल में चला जाता है। तो नेक्स्ट साइकिल कौन सी होगी, टीसीए साइकिल। ये ओवरव्यू हुआ ग्लाइकोलिसिस का, अगर एक दो बार देखोगे ध्यान से, अगर साथ में नोट्स बनाओगे तो 100% है कि आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट साइकिल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो एक बार बताना, फिर से समझा देंगे। ओके।